हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपस किचन। आज का रेसिपी पालक पनीर ढोसा। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। पालक पनीर ढोसा बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये फॉर्मेट किया ढोसा का बेटर पहले मैं वीडियो में देखे रखा, आप लोग देख सकते हैं। और पनीर लिया 100 ग्राम, पालक आधा बंच लिया, थोड़ा सा हरे धनिया, एक ग्रीन चिली, 1 इंच अदरक और 10 करी पत्ता, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, मेल्टेड बटर, टोमेटो, ऑनियन। ग्राइंडर का जल ले लिया, पालक, अदरक, हरे धनिया और ग्रीन चिली को तोड़ के ऐड करके इसके रेडी कर लेती हूँ। पालक का पेस्ट बना लिया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तवा गर्म होने के लिए रख दिया। बैटर में आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। 2 चम्मच बैटर ऐड कर दिया और अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में स्प्रेड कर देने का। ऊपर की तरफ अच्छी तरह से डोसा बन गया। अभी जो मेल्टेड बटर लिया वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। अभी जो पालक का प्यूरी बना के रखा वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देती हूँ। अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया और जो अनियन कट के रखी वो ऐड कर दिया। और टोमेटोस साथ में, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चुटकी अमचूर पाउडर, ग्रीन चिली ऐड किया, इसके लिए रेड चिली थोड़ा सा ही ऐड किया। अभी 5 मिनट कुक होने के लिए रख दिया। अभी जो पनीर लिया वो ग्रेट करके ऐड कर देती हूँ। पनीर ऐड कर दिया, रेड चिली और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया। देखिए पालक पनीर बनके रेडी हो गया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। सारे वेजिटेबल को अच्छी तरह से मैश करके और कुक कर लेती हूँ। और स्प्रेड कर देती हूँ। टेस्टी पालक पनीर डोसा बनके रेडी हो गया। अब प्लेटिंग कर लेती हूँ। टेस्टी हेल्दी पालक पनीर डोसा बनके रेडी हो गया। ऐसे बनाइए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।